Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Beauty Secrets. आज मैं आपके साथ skin whitening, brightening, lightening all creams के बारे में discuss करूँगी. इन सब cream के साथ जो मेरा experience रहा है वो आपके साथ share करूँगी और आपको बताऊँगी, इन सब का reviews आपके साथ share करूँगी. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये छोटू cream की. ये मैंने सईद गनी से purchase की थी. It was a whitening formula, night cream है ये और इसको मैं 3 से 4 बार यूज़ किया है. इसके रिज़ल्ट ओके हैं, इतने कोई ख़ास नहीं है बट ओके हैं. स्टेलमेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ स्टेलमेंट्स. ये काफ़ी अर्से से लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं. मेरी स्किन जब अनइवन हो जाती है, जब मुझे लगता है पैची स्किन हो गई है, देन मैं इसको वीक में 1 से 2 बार यूज़ कर लेती हूँ और इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं. सो ये इस तरह से है, इसको मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे डार्क पैचेस बन जाए या इस तरह से कोई मसला हो तो तब यूज़ करती हूँ ये क्रीम. दिस वन इज़ वाइट ब्यूटी क्रीम 5 एक्शंस. ये मैंने किसी की रिकमेंडेशन पे बाय की थी बट ये मेरी स्किन पे बिल्कुल भी सूट नहीं की. एक बार यूज़ किया उसके बाद मैंने इसको यूज़ नहीं की, एज़ इट इज़ वैसे की वैसे ही पड़ी है. सो आई कॉन्ट रिकमेंड यू दिस बिकॉज आई, हो सकता है जिससे मुझे रिकमेंड की उसको बहुत सूट कर रही हो बट मेरी स्किन पे ये बिल्कुल भी सूट नहीं की. इसके बाद बात करते हैं लोगों की मनपसंद गोल्डन पर्ल. इसको मैं अपने फेस पे यूज़ नहीं करती, हाथों पे पाँव पे यूज़ करती हूँ बट फेस पे यूज़ नहीं करती बिकॉज ये आपको जब तक आप इसको यूज़ करते नहीं ये आपको रिज़ल्ट देती है. उसके बाद जब आप इसको यूज़ करना छोड़ देते हैं तो आप इसकी स्किन पहले से भी ज़्यादा बुरी हो जाती है. सो आई कॉन्ट रिकमेंड यू फॉर योर फेस. बट लोग इसको यूज़ करते हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या वाइटनिंग कैप्सूल्स और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके इसको फॉर्मूला क्रीम बना के यूज़ करते हैं बट आई डोंट यूज़ ऑन माई फेस. उसके बाद बात करते हैं ये पॉन्स की क्रीम है, पॉन्स वाइट ब्यूटी क्रीम. विंटर के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, डे और नाइट दोनों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इसको मैं यूज़ करती भी हूँ, इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है. मॉइस्चराइज रखती है एज वेल वाइटनिंग, जो मतलब एकदम बहुत वाइट वाला नहीं है बट आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, अच्छी क्रीम है. उसके बाद बात करते हैं तिब्बत स्नो क्रीम. काफ़ी अर्से से ये भी चलती आ रही है, बचपन से इसका नाम सुनते आ रहे हैं. और ये इसके अंदर अगर आप ऑलमंड मिक्स करके यूज़ करें तो इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं. आई डोंट थिंक सो कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए है बट ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है ये. देन अब इस क्रीम के बारे में बात करते हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ब्लॉगर्स, बहुत से लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, इस पर अपने रिव्यूज़ दे चुके हैं. सो मैंने भी ये यूज़ की है. इवनटॉन सी के नाम से है और ये आपकी डार्क स्किन को ऑब्वियसली लाइट करती है, आपकी स्किन पे ग्लो भी देती है. देन बात करते हैं फेयर एंड लवली. फेयर एंड लवली आपकी रेगुलर यूज़ वाली क्रीम है. आप इसको फेयर एंड लवली पे तो फेयर एंड लवली भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अफोर्डेबल ऑप्शन है. आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं लोकल मार्केट से और इसके भी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं. अगर ये आपकी स्किन को बहुत फेयर नहीं भी करती तो आपकी स्किन को बहुत डार्क भी नहीं करती इसको छोड़ने के बाद. सो दिस वन इज़ ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन. और अब बात करते हैं हम मैक्स डिफ. इट वाज ऑल्सो अ स्किन ब्राइटनिंग क्रीम मैक्स डिफ. ये मैंने नूर बुखारी की वीडियो देखने के बाद परचेज़ की थी. मेरी स्किन पे थोड़ी थोड़ी सी छाइयाँ हैं तो ये उस पर काफ़ी अच्छा काम करती है. वो सारी क्रीम जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़. अल्लाह हाफिज़.